वहीं हिमाचल प्रदेश के बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा गया, सुनाते हैं आप। शिमला को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, सोलन को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, सिरमौर को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, इन सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को एक साल के अंदर कनेक्टिविटी के तहत हेलीपोर्ट से जोड़ दिया जाएगा। और आप एक डेढ़ साल बाद देखेंगे कि आपके हिमाचल प्रदेश में जहां ग्रीन कॉरिडोर में ग्रीन टैक्सियां चलेगी, ग्रीन बसें चलेंगे, ग्रीन ट्रक चलेंगे, वहां एयर कनेक्टिविटी में आपको पैसेंजर की तरह हेलीकॉप्टर के रूट एडवर्टीजमेंट की जाएंगे। इस दृष्टिकोण से हम कार्य करेंगे। आपको ब्लीचिंग पाउडर डालकर जो हमारी पुरानी प्रक्रिया, उस तरह से हमें पानी पीने को मिलता है, हमने पाया कि उसमें सुधार की जरूरत है। लेटेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी को अल्ट्रा वायरस किरणों से हमने उसको बदलने के लिए, हमने पीने के पानी को के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है जो आने वाले, ये नहीं है कि आज मैंने बोलर कर ली, पैसे का इंतजाम कर दिया, अब इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। हमने 7000 विधवाओं को घर बनाने के लिए एक वर्ष के भीतर पानी का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। 7000 विधवाओं को हर एक विधानसभा क्षेत्र में, वैसे तो कोई महिला विधवा ना हो, पर हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम समझते हैं कि कम से कम 100 महिलाएं ऐसी होती है, एकल नारी होगी या विधवा होगी, उसको हमने 1.5 लाख रुपया देने का प्रावधान किया। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।